ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? जैसे हमने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम देखे थे, जो बेसिकली हर कोई सिस्टम ये चाहता है जो उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, तो फिजिक्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फोर्स वाला इक्विलिब्रियम प्रोसेस, राइट? तो एग्जैक्टली वैसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ इक्विलिब्रियम होता है, वो फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ एस्पेक्ट में सेम भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी फेज में वो डेफिनेटली हो सकता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस जो कोई भी चीज का दो डिफरेंट स्टेट के बीच में कैसे हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। लेट्स सी, एक सिंपल एग्जांपल ले लो। हमारे पास एक कंटेनर है, ये वाले कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है? ये वाले कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। सो दिस इज H2O लिक्विड। इसके ऊपर मैंने एक दूसरा बड़ा सा कंटेनर जो है उसको लीड बना के रख दिया। स्टार्टिंग में इसके अंदर बिल्कुल ड्राई एयर है, यानी कोई वाटर वेपर उसके अंदर नहीं है। अच्छा, नाउ गैसियस स्टेट में हम लोगों ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात किए थे। वो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वो तो नहीं, लेकिन लिक्विड के लिए भी हम मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके वेलोसिटीज भी जीरो से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जो लिक्विड के अंदर हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे, वो लिक्विड के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ते हुए ऑब्वियस सी बात है हमारा इस तरीके से वो लिक्विड का पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होगा, राइट? सो जो हमारा ड्राई एयर था, धीरे धीरे उसके अंदर वाटर वेपर आना चालू करेगा, यानी हम बोलेंगे H2O लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2O गैस। और ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। जैसे जैसे वेपोराइजेशन होगा, वैसे वैसे हमारा ऊपर गैस का पार्टिकल्स बनते रहेंगे। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा गैस के अंदर बहुत ही ज्यादा कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे, वो दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन फोर्स के कारण वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। यानी कुछ पार्टिकल्स ऑफ गैस वापस हमारा कन्वर्ट होना चालू करेगा H2O लिक्विड में। और ये वाला प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, कंडेंसेशन। सो जैसे मैं ये लिड को बंद करूंगा तो तुरंत दो प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक तो हमारा जो अंदर के लिक्विड है उसके अंदर के हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर का अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ते हुए हमारा गैसियस फेज में जाना चालू कर देगा। ये है हमारा पॉइंट नंबर वन। और जो ऊपर गैस बनता रहेगा उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स आपस में वेलोसिटी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके अंदर के जो कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स है वो कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स वापस हमारा लिक्विड फेज में आना चालू कर देगा, और इस तरीके से गैस हमारा वापस कन्वर्ट होगा लिक्विड पे, राइट? अच्छा, स्टार्टिंग में हमारे पास भर भर के लिक्विड पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है ना के बराबर। तो इनिशियली अगर मैं एकदम इनिशियल लेवल पे बात करूं,
जो हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा दैट विल बी मच मच ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन. जो हमारा वेपोराइजेशन का रेट होगा वो हमारा कंडेंसेशन का रेट से डेफिनेटली काफी ज्यादा होगा. यानी भर भर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे, राइट, लेकिन पलट के गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो गैस के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो कंडेंसेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है. तो होगा क्या, अंदर का जो लिक्विड है उसका अमाउंट कम होता रहेगा और जो हमारा गैस है उसका अमाउंट हमारा बढ़ता रहेगा क्योंकि वो एक्युमुलेट होगा. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड में से हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स निकलेंगे तो एनर्जी जो ओवरऑल लिक्विड की है वो कम हो जाएगी. तो जो हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में लिक्विड में थे अब वो वाला अमाउंट डेफिनेटली रिड्यूस होता रहेगा. तो वो वाला अमाउंट अगर हमारा रिड्यूस होता रह रहा है तो हमारा जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो डेफिनेटली कम होता रहेगा. यानी मैं एक चीज बोल सकता हूं, एज टी इंक्रीजेस रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल डेफिनेटली डिक्रीज. बट अंदर गैस का जो है अमाउंट बढ़ते जा रहा है, यानी वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन अब आसान होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन जो आएगा वो हमारा इंक्रीज होता रहेगा, राइट. यानी अगर मैं एक चीज देखूं, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां पर है हमारा रेट और यहां पर है मेरा टाइम. तो जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है स्टार्टिंग में एक हाई वैल्यू से करता हुआ कम होता रहेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन एकदम स्टार्टिंग में तो था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा, राइट. अभी भी रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा ही है कंडेंसेशन से, तो और इफेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स हमारा लिक्विड से गैस में जाएगा लेकिन रेट ऑफ वेपोराइजेशन अब और कम होंगे और रेट ऑफ कंडेंसेशन अब और बढ़ेंगे. अब ये थोड़ा सा भी और कम हुआ और यहां पर ये रेट थोड़ा सा और बढ़ा, तो ध्यान दो जो हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन है और जो हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन है, दिस इज द आर कंडेंसेशन एंड ऊपर वाला है आर वेपोराइजेशन. एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद ये हो जाएगा टी नॉट, कोई टाइम है टी नॉट, जिसमें जिस रेट से हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में. यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके बाद ना वाटर का अमाउंट कम होगा ना हमारा वेपर का अमाउंट बढ़ेगा. यानी वो वाले पोजीशन में जो हमारा लिक्विड और वेपर का अमाउंट बन गया वो अब आने वाले टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, तो उसका रेट भी इक्वल हो जाएगा. अब दोनों रेट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, दैट विल बिकम कांस्टेंट फॉर एवर. तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम और हम रिप्रेजेंट करते हैं जो H2O लिक्विड फॉरवर्ड जा रहा है H2O गैस में और H2O गैस कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में. दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इसके बाद
द अमाउंट ऑफ H2O लिक्विड एंड H2O गैस बिकम्स कॉन्स्टेंट. और हम और क्या बोल पाएंगे? वी कैन से ड्राई एयर हैज बिकम सैचुरेटेड विथ वॉटर वेपर. ड्राई एयर हैज बिकम सैचुरेटेड विथ वॉटर वेपर. तो ड्राई एयर अगर हमारा वॉटर वेपर से सैचुरेट हो चुका है, फर्दर हमारा कोई अमाउंट पे बदलाव नहीं होगा. बट एक बात समझना, बोथ दी प्रोसेस हैज नॉट स्टॉप्ड. बोथ दी प्रोसेस हैज नॉट स्टॉप्ड. एक बार भी ये मत समझना जो हमारा वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जो है वो हमारा बंद हो चुका है. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स हैव बिकम इक्वल. जो हमारा फॉरवर्ड रेट यानी लिक्विड से गैस जाने का और जो बैकवर्ड रेट यानी गैस से लिक्विड आने का, वो दोनों रेट हमारा इक्वल हो चुका है. तो इस कारण पे वी से द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक. अच्छा, व्हाट इज मीन बाय डायनामिक एंड व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक? डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों प्रोसेस अभी भी बरकरार है, बस इक्विलिब्रियम आ चुका है इसीलिए हमें महसूस नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम. एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर केमिस्ट्री में यह है जो रिएक्शन होना एक्चुअल में बंद हो चुका है. केमिस्ट्री में जितने भी इक्विलिब्रियम है उनमें कहीं पर भी कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. जितना भी इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो सारे के सारे हमेशा ही डायनामिक नेचर का ही होगा. इट कैन नेवर बी ऑफ स्टैटिक नेचर. सो आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. सो हम लोग पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम देखे हैं जहां पर हमारा वेपर और लिक्विड जो है वो उसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एंड दैट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. अच्छा, गैसियस स्टेट में हम इसके बारे में बातचीत किए थे, वो चीज अब आई होप और ज्यादा क्रिएट होगा, क्लियर होगा. राइट, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अब यहां से और ज्यादा क्लियर होगा. जो गैस का जो कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमारा किस तरीके से डेवलप होता है. वहां पे हमने और एक टर्म भी डिफाइन किए थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. राइट, सो वो सारे के सारे टर्म आई होप अब यहां से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम बन चुका है. वॉटर क्योंकि एक वोलाटाइल लिक्विड है तो ये वाला इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे. ऑन द अदर हैंड मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी इज अ परफेक्टली नॉन वोलाटाइल लिक्विड. मर्क्यूरी वेपर रूम टेम्परेचर में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो प्रैक्टिकली अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हम उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करेंगे ही नहीं. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
there should be a closer above the liquid. Otherwise, equilibrium will never attain. Equilibrium कभी attain होगा ही नहीं. All liquid will eventually vaporize. इस बात को समझो. अगर मान लो हम केवल और केवल एक खुला कंटेनर में, अगर हम लोग एक खुला कंटेनर में क्या कर दिए, पानी को रख दिए, तो पानी तो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेपर जैसे ही बना वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में खो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा. तो लिक्विड के कॉन्टैक्ट में वेपर बचेगा ही नहीं, तो वापस कंडेंसेशन होने का कोई संभावना भी क्रिएट डेफिनेटली नहीं होने वाली है. सो अगर हम इस कंटेनर को खुला छोड़ दे, पानी वाले को ऊपर हम बंद ना करें, तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो उल्टा हमें देखने को मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो है, ये प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है, उसको सिस्टम के कॉन्टैक्ट से मैं निरंतर बाहर की तरफ करते जा रहा हूं और बाहर करता जाऊंगा. तो ये वाला प्रोसेस हमारा कभी बन ही नहीं पाएगा. ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारा कभी बन ही नहीं पाएगा. तो पूरा का पूरा लिक्विड जब तक वेपोराइज नहीं हो जाता है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा. एंड हम ऐसे लिखेंगे इसको, H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. एंड दिस विल बी एन irreversible process. वो सारे प्रोसेस जहां पर उल्टे डायरेक्शन में आने का कोई तरीका ही नहीं है, तो वैसा प्रोसेस को हम बोलते हैं irreversible process. एंड irreversible process में एक बात ध्यान देना, equilibrium can never exist. Equilibrium can never exist. कपड़े सुखाने का जो mechanism है वो वही है. अगर हम लोग बंद कमरे के अंदर कपड़े को रख देंगे तो हम देखते हैं जो कपड़ा कभी पूरी तरीके से नहीं सूखता है. वहीं पे अगर हम लोग हवा के अंदर रख देते हैं तो कपड़े काफी जल्दी आसानी के साथ सूख जाते हैं. It doesn't matter जो धूप है या नहीं है. हाँ, धूप हो तो obvious सी बात है जल्दी सूखते हैं. लेकिन धूप नहीं भी होता है, अगर मैं खुले जगह पर कपड़े को रखूंगा तो इवेंचुअली ये वाले इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण हमारा कपड़ा जो है वो सूखता रहेगा. एंड द रीजन इज, वापस कपड़े की तरफ पानी आने का कोई संभावना जो है वो हमारा क्रिएट नहीं होने वाली है. तो इस दैट्स आल्सो द प्रिंसिपल द ब्लू ड्रायर वर्क्स. हीट देता है और नया हवा को फ्लो करवाता है, तो जो मॉइस्चर है उसको वो बार बार एब्जॉर्ब करते हुए निकलता रहता है, वापस अंदर आने का कभी मौका मिलता ही नहीं है. आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट? अच्छा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का एक्सटेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा उसका जो हमारा एक्सटेंट है वो डेफिनेटली हमारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, लॉजिकल बात है, लिक्विड का वेपर में जाने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होने वाला है. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड का वेपर में जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा. यानी लिक्विड किस एक्सटेंट तक वेपर में कन्वर्ट होगा इन द इक्विलिब्रियम प्रोसेस,
that obviously depends upon temperature, right? Okay, तो और क्या-क्या equilibrium हम सोच सकते हैं physical level पे? बहुत simple है, liquid gas equilibrium. What is the classic case? अगर हमारे पास 1 atm pressure है और 100 डिग्री सेल्सियस है. अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होता है या 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम होता है? अच्छा, स्टीम और वेपर सेम नहीं है. वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होगा फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड. इट्स अ सरफेस फिनोमेना. स्टीम बनना जो है इट्स अ बल्क फिनोमेना और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, एक गिवन टेम्परेचर पर ही हमारा बल्क से भी वेपर बनना चालू होता है. So 1 atm प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी एग्जिस्ट करेगा और जो हमारा स्टीम है वो भी एग्जिस्ट करेगा. सो H2O लिक्विड कहने पर तो दोनों गैस है बट उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर क्योंकि वहां पर प्रोसेस था वेपराइजेशन और इस वाले को हम बोलेंगे स्टीम क्योंकि यहां पर प्रोसेस जो है द प्रोसेस इज बॉइलिंग. ये वाला जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग और ये जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. This is called boiling point, right? Now, दूसरा क्या है? Solid liquid equilibrium. अच्छा, तो दोस्तों, try to understand. 0 degree Celsius पे 1 atm pressure में ice होता है या water होता है? जवाब दोनों होता है, right? तो अगर मेरे पास 1 atm प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस पर H2O सॉलिड यानी आइस कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में एंड दिस इज बेसिकली आइस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. Now, 0 degree Celsius is called the melting point. By melting point, I want to say the standard melting point. Baki alag-alag pressure pe alag-alag melting point hote hain. Right? 1 atm pressure mein jo melting point hota hai, usko hum koi ek substance ka kya bolte hain? Standard melting point. So, agar maan lo main 0 degree Celsius mein water ko aur आइस को साथ में रख दूं तो आइस निरंतर वाटर में कन्वर्ट होगा और उतना ही अमाउंट का वाटर मेरा साथ ही साथ आइस में कन्वर्ट होता रहेगा. हम उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं और ऐसा नहीं है जो कि मेल्टिंग नहीं हो रही है या फिर वापस फ्रीजिंग नहीं हो रही है. प्रोसेस दोनों चलेगा लेकिन हमें महसूस इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली द नेट अमाउंट ऑफ बोथ is not going to change. अच्छा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा जो प्रोसेस चल रहा है? बहुत सिंपल तरीका है. देखो, अगर प्रोसेस चल नहीं रहा होता, अगर मेरे पास एक आइस क्यूब है तो वो आइस क्यूब मैं अगर पानी पे रख दूंगा तो उसका शेप जिंदगी भर परफेक्टली क्यूबिकल होना चाहिए लेकिन अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हुए दोनों को मैं साथ में रख दूं तो उसके बाद अगर हम देखें एक दिन बाद मान लो देखें तो उसका जो क्यूबिकल शेप है उस पे हमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन जो है वो नजर आना चालू होता है. रीजन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा आइस कहां से मेल्ट होके पानी बनेगा, राइट? या पानी किस जगह पे वापस फ्रीज होके आइस बन जाएगा वो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो कोई एक जगह से आइस पानी में कन्वर्ट हो गया तो उस जगह पे खड्डा क्रिएट हो गया
और दूसरे एक जगह पे पानी जाके बर्फ में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे एक हल्का सा बल जा जाएगा। तो एक परफेक्टली क्यूबिकल शेप ऑफ आइस को अगर मैं रख दूं, तो आफ्टर सम टाइम, यानी ढंग से देख पाने के लिए वी हैव टू रियली वेट, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो होती है, उसके उस परफेक्ट शेप में हमें डिस्टॉर्शन नजर आता है। और इससे हमें यह मालूम पड़ता है जो हमारा प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है, द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और जो है वो है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। कुछ चीजें ऐसा है जो सबलाइम करता है, जिसमें लिक्विड बनता ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, राइट? तो एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, जहां पर लिक्विड तुम्हारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल CO2, तो CO2 गैस विल गेट कन्वर्टेड into CO2 solid. So this will be the solid gas equilibrium. So in case of sublimation, ye wala phase equilibrium bhi definitely exist kar sakta hai. Right? Ya phir aur kya hai? Precipitate solution equilibrium. यानी क्या है उसमें? अगर मान लो मैं लेड नाइट्रेट डालता हूं, ठीक है, या फिर लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड इज वेरी वेरी इनसॉल्युबल इन वाटर, तो एक पानी का कंटेनर, पानी का कोई कंटेनर है, राइट, दिस इज वाटर, उसके अंदर मैं डाल देता हूं PbCl2 सॉलिड, तो वो PbCl2 बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े अमाउंट से वाटर पे जाना चालू हो जाता है, राइट? एंड PbCl2 सॉलिड अल्टीमेटली विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ PbCl2 एक्वस। इसके अलावा और क्या है? एलोट्रॉपिक इक्विलिब्रियम, राइट? अच्छा, एक बात ध्यान देना, टू एलोट्रोप्स ऑफ सेम मटेरियल आर considered as different phase. एक सेम मटेरियल का दो एलोट्रोप को हम लोग हमेशा डिफरेंट फेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि उन दोनों का जो डेंसिटी है, उन दोनों का जो प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा सब्सटेंशियली डिफरेंट होती है। तो दोनों एलोट्रोप को हम सेपरेट फेज मानते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत किए हैं, तो कार्बन सॉलिड और कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड, ये दोनों भी हमारा डिफरेंट फेज है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में सेट हो सकता है, राइट? या फिर मान लो सल्फर रोम्बिक, दैट कैन बी इन इक्विलिब्रियम विथ सल्फर मोनोक्लिनिक। या फिर अगर मान लो है हमारे पास फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस कैन बी इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाइट फॉस्फोरस, दैट कैन बी ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विथ ब्लैक फॉस्फोरस।
तो ये सारे के सारे जो है ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होगा, सबसे पहला अगर हम समझें, नंबर वन द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम द ओनली फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। वेपोराइजेशन जो है वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट हर टेम्परेचर में होगा तो सही, बट ओनली फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। मर्क्यूरी के लिए हम कंसिडर नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम तभी होगा अगर हम क्लोज कंटेनर पे रखे हैं, तो अगर ओपन कंटेनर में है तो इन दैट केस कोई भी प्रकार का इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। दूसरा क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तीसरा लिक्विड गैस दैट इज बॉइलिंग इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारा प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट वन इज एलोट्रॉपिक इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट वी कैन एनकाउंटर इन आवर डे टू डे लाइफ। आई होप यहां तक पे जितने भी डेफिनेशन है, दिस इज बेसिकली अ थियोरिटिकल पार्ट, ठीक है। तो ये वाले पार्ट का अगर प्रिंसिपल लेना चाहते हो तो वो भी ले लेना, ये थियोरिटिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिफरेंट इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है, राइट।